अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा आपको जैसे ये सेगमेंट चल रहा है, आपको ये वीडियोस ऐसे ऐसा वक्फे वक्फे से मिलेंगी। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डिफरेंट था। पहले व्हाइट हाउस की थी, फिर मॉन्यूमेंट जो मेरे पीछे है उसकी है, अब हम जा रहे हैं थॉमस जेफरसन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी मकबरे पे जा रहे हैं। तो मैं कहा चलो आज मैं आपको ये डिफरेंट देखिए, ये तालाब है पीछे बहुत बड़ा, और यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे देखो बच्चों की काम देखिए, कितने बेवकूफ हैं, दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। पानी में खड़े हुए हैं, देखिए बर्फ है और बर्फ के अंदर खड़े हुए बेवकूफों की तरह शरारते कर रहे हैं, वो स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं और वो हरकतें शरारते करने में लगे हुए। और ये देखिए कितना अच्छा दिन है, आज लोग बाहर निकले हुए हैं, खूब फन कर रहे हैं। और देखो कितना प्यारा कुत्ता, देखिए अपने पप्पी को लेके आ रहे खिलौने को, देखिए डॉगी भी अपना। देखिए पानी के ऊपर बर्फ जमी हुई है, सारी बर्फ जमी हुई है, लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। वो देखिए बच्चे ऊपर लड़के ऊपर भागते फिर बेकूफ हो काम, देखिए चार लड़के जब मिलके बैठते तो शरारते ही करते हैं, हरकतें करने में लगे हुए। सब लोग उनके ऊपर हंस रहे कि ये पागल हो रहे लड़के सारे जिन हरकतें करने में लगे हुए हैं। बार बहुत अच्छा दिन आपको दिखाते हैं, मैसेज एंजॉय करते रहिए, बहुत अच्छा व्लॉग आज का। फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं इब्राहिम लिंकन, ये वो प्रेसिडेंट था जिसने कालों को आजादी दिलाई थी, यू नो फ्रीडम दी थी स्लेवरी से, और ये सिविल वॉर का लीडर था, और ये 1600 में था, ये लाइक प्रेसिडेंट था। ये वो प्रेसिडेंट है जनाब जिसने कालों को आजादी दी थी, और इसको बाद में गोली मार के कत्ल किया गया था। तो ये इसका मजार है, मकबरा है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त किस्म का बहुत अच्छा सीन। तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच चुके हैं जी इब्राहिम लिंकन पे, जिसने सिविल राइट की में कालों को हक दिए थे। यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत खूबसूरत, यहाँ पे लोग बहुत फन कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जनाब जबरदस्त नजारे। सिंगर लाइव सिंगर गाना गा रहा है और मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये एक्सक्लूसिव है, इसकी वीडियो से पहले मेरी वीडियो लगेगी। यस ये आएगा मजा, इसका गाना पहले मेरे यूट्यूब के चैनल पे रिलीज होगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंजॉय कीजिएगा, ये एक आप लोगों के लिए फन है, एक एंटरटेनमेंट है यूएस की अमेरिका की, और हम लोग यहाँ पे अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हैं, और इतने अच्छे मौसम को एंजॉय करते हैं, अपने नेशन के साथ एंजॉय करते हैं। काम ऐसे करने चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करके जाएँ। अपनी मोहब्बतों में मेरी दुआओं में याद रखिए, यह है जनाब इब्राहिम का लिंकन का स्टैचू मेरे बिहाइंड। 22 साल में पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं जब से यहाँ पर आया मैंने बहुत मेहनत की, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की, और आज है कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी फैमिली के साथ सब कुछ हासिल करने के बाद। तो ये मुल्क उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत मेहनती होते हैं। मैंने यहाँ पे स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में जॉब की, पढ़ाई की, और मैं आज इस मुकाम पे हूँ अपनी मेहनत की वजह से। और ये है दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। आप लोग भी कहीं भी जा सकते हैं, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मकसद आपके सामने होना चाहिए, आप अपने सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं। मेरे YouTube फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसकी तकरीर लिखी हुई है, यहाँ से शुरू से देखें। अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ने का शौक हो तो वो इस चीज़ को पढ़ सकता है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए।
तो ये आज मैं आप लोगों को इतना जबरदस्त चीज दिखा रहा हूँ कि ये आप लोगों को कोई ऐसा बंदा नहीं दिखाया, मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा कि जिसने ये चीज पहले से दिखाई हो, बताई हो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये देखिए जनाब, ये आई थिंक उनकी शॉप लग रही है मुझे। ठीक है जी, ये बरामदा बना हुआ है और हॉलवे है, और ये हॉलवे के साथ इसका स्टैचू बना हुआ है, इसकी स्पीच है यहाँ पे। ये बड़ा इनका गाने वाला कोई लड़का है। ठीक है जी, कोई सेल्फ कोई इनका कोई हीरो बना हुआ कोई लड़का गाने वाला कोई होगा पागल सा। तो ये देखिए मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए फॉर योर स्कोर एंड 7 इयर्स। ये देखिए जनाब, ये हिस्ट्री है अमेरिकन की। अगर किसी को पढ़ने का शौक हो, हिस्ट्रियंस हिस्टोरियंस को, तो ये बहुत जबरदस्त स्पीच है इसकी। अभी अंदर जा रहा हूँ, ये देखिए जनाब, ये है जनाब अब्राहम लिंकन, सिविल राइट लीडर, ग्रेट पर्सन। इसने हमें आज़ादी दी, अगर इसकी आज़ादी ना होती तो आज गोरों के अलावा इस मुल्क में कोई भी नहीं रह सकता था। एक बंदे की एफर्ट से, एक बंदे की कोशिश से सबको राइट मिले। तो आप करीब से देखिए, that this is a temple has the heart of the people for whom he saved the Union, the memory of Abraham Lincoln is, oh my god, कितना अच्छा काम किया। देखिए इसने जबरदस्त, इसका बहुत बड़ा मुजस्मा, लोगों की बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया से यहाँ पे आई हुई है देखने के लिए। देखिए कितना बड़ा खूबसूरत इसका है जो बनाया है। जो लोग दूसरों के लिए जिंदगी अच्छी गुजारते हैं, हमें रिवॉर्ड तो अल्लाह की तरफ से मिलता है। बट देखें, ये है एक यहाँ पर एक सिविल राइट बंदे की पहचान। सिविल राइट का मतलब होता है कि अपने आवाम के हकूक के लिए लड़ना, बात करना। आप कुछ पहले किसी मकसद के लिए लड़ते हैं, फिर उसको किसी एक शक्ल में लेके आते हैं। तो ये है वो मकाम जब एक बंदे की सोच इनफरादी सोच बनती है। अल्लाह करे हमारे लोगों में वो शऊर आए, तालीम लोगों में आए, ताकि लोगों को ये शऊर हो कि कौन सही है और कौन गलत बात करता है। अल्लाह ना करे कि हमारे लोगों में जहलियत हो, जो अभी है। मैं 100% पॉजिटिव हूँ, मुझे इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है। कोई मेरे से एग्री करे या ना करे, आप किसी की सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। बट आप लोगों को एक अच्छा सोचना चाहिए। यहाँ पर एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, वो खत्म हो चुकी है, आपको नजर आ रहा है सब कुछ बंद हो चुका है। और ये है जनाब एक्सक्लूसिव नजारे। ये मैंने आपको कहा था कि ये हमारा 16वां प्रेसिडेंट था। ठीक है, इसके सामने जो है मॉन्यूमेंट है, और उसके सामने कैपिटल की बिल्डिंग, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो देखिए। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करता हूँ, ये देखिए। ये सब एक लाइन में मैंने आपको कहा था, कैपिटल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट की बिल्डिंग, अब्राहम लिंकन का जो है ये जगह, ये सब एक जगह पर हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन जो था ये 16वां प्रेसिडेंट था यहाँ का। ठीक है, और उसका ये मजार है। इस ब्लॉग को जरूर इंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोटिवेशनल, आप उस कुछ आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे, कुछ जिंदगी में नया करना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे, अपने लिए नहीं कौम के लिए अच्छा करें। ठीक है, अपनी दुआओं में मोहब्बतों में याद रखिए। मेरा चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज मुझे नेगेटिव मैसेज मत भेजा कीजिए। मुझे आप लोगों के नेगेटिव कमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ना आप मुझे सुधार सकते हैं, ना मुझे चेंज कर सकते हैं। मेरी सोच है, अगर आप एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो मुझे नेगेटिव सोच के मैसेज नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में मोहब्बतों में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।